हमारे आसपास हमारी जरूरत के जो पदार्थ हैं, उनमें अनेक अशुद्धियां हैं, जिन्हें पृथक्करण की विधियों द्वारा अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ये अनाज भी हम तक पहुंचने से पहले और बाद में भी अनेक पृथक्करण की विधियों से गुजरते हैं। आओ कुछ विधियों को देखकर पहचाने। अनाज में से हल्का भूसा अलग करने की यह विधि है ओसाना। एक ओर से इस यंत्र द्वारा हवा देकर भूसा अलग हो रहा है, और गेहूं जो भूसे से भारी है नीचे गिर रहा है। इस सूप से तो हम परिचित ही हैं। गेहूं का कूड़ा करकट साफ करने की यह विधि है फटकना। लीजिए, कूड़ा करकट बाहर हो गया। और ये गेहूं साफ हो गया। आटे में से चोकर अलग करने की इस विधि को हम भली भांति जानते हैं। जी हां, यह है चालना। और यह है छानना। लीजिए, चाय में से चाय की पत्ती अलग। यहां मोरंग छानी जा रही है। जरा सोचो, मकान की चिनाई के पलस्तर में कहीं ये कंकड़ पत्थर इस्तेमाल हो सकते हैं? मोरंग और बालू में ऐसी अशुद्धियां रहती हैं जिन्हें छानकर अलग करना पड़ता है। यह है चुंबक, लोहे को अपनी ओर खींच सकता है। लीजिए, मोरंग में से सारी पिन बाहर। यह है चुंबकीय पृथक्करण। जब मां पकाने के लिए चावल धोती है तो क्या साफ करती है? देखो, हल्का कूड़ा सब पानी के ऊपर आ गया। अब इसको निथार कर अलग कर दिया। यह है निथारना। हमारी रोजाना की जिंदगी में अनेक ऐसी आवश्यकताएं हो सकती हैं जब हम पृथक्करण की विधि को अपनाकर अपनी मुश्किल आसान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें एक स्कूल के बच्चों की समस्या।
चलो शुरू करते हैं। क्या बात है बच्चों, आज आपके चेहरे कुछ उदास लग रहे हैं, कुछ खास बात है क्या? दीदी बहुत प्यास लगी है, हमारे स्कूल के हैंडपंप में पानी बहुत गंदा आ रहा है। दीदी कहीं बाहर हैंडपंप में पानी पिलाने ले चलिए ना। बस इतनी सी बात है, चलो अपने स्कूल के ही हैंडपंप में देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ, चलो। पानी में फिटकरी का टुकड़ा डाल देने से उसकी अशुद्धियां अलग होकर नीचे बैठ जाएंगी और पानी पीने योग्य बन जाएगा। देखिए फिटकरी वाला पानी ऐसे साफ हो रहा है। दूसरे ग्लास में फिटकरी नहीं मिलाई गई लेकिन बालू नीचे बैठ गई। अब इसे निथार कर साफ किया जा सकता है। तुमने देखा था यहाँ निथार कर चावल से कूड़ा अलग किया जा रहा था, ये निथारने की एक विधि है। जबकि यहाँ निथार कर साफ पानी अलग किया जा रहा है। यह बालू नीचे बैठ गई थी जो अलग हो गई। इस तरह स्कूल के बच्चों को कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ा और उन्होंने अपनी प्यास बुझाई।